टेल मी, ये फिल्म इंडस्ट्री और क्रिटिक्स के बीच का रिश्ता कैसा होता है? मैं तो कहता हूँ यार, ये रिव्यू सिस्टम को ही खत्म करो ना। तुम फिल्में बनाना बंद कर दो ना। हम अगर पिक्चर बनाना बंद कर देंगे तुम लोग खाओगे क्या? देखो ये प्रोड्यूसर ऐसे ही दादाजी नहीं करते। और एक प्रोड्यूसर ने तो चाकू लेके जू बीच में हमारे क्रिटिक का चेस किया हुआ है। अंदर से तो आप बहुत खुश होंगे ना। तो फाइनली दोस्तों, इंडिया की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, जिसका अब से कुछ मिनट पहले एक नया प्रोमो आउट हुआ है और उस प्रोमो में क्रिटिक्स और प्रोड्यूसर्स लड़ते हुए दिखाए गए हैं। और अगर उनका बस चले तो वो हाथापाई भी कर लें, लेकिन बेचारे करें तो करें कैसे, क्योंकि वहां पर मौजूद है गब्बर यानी कि सनी देओल पाजी, जिनके सामने किसी की नहीं चलती। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसको अपना बेहतरीन डायरेक्शन दिया है आर बाल्की ने। और वहीं इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर सनी देओल और दुलकर सलमान, जिनका साथ है पूजा भट्ट और श्रेया धन्वंतरी ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑडियंस की तरफ से जो रिव्यू आए हैं इस मूवी को लेकर वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। और वहीं ऑडियंस का मानना है कि इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि सभी को देखनी भी चाहिए। दोस्तों यह मूवी जो कि बनी है लगभग 10 करोड़ के बजट से, इस मूवी ने एडवांस बुकिंग कर ली है लगभग 70 लाख की। और वहीं दोस्तों लगभग 82,000 इस मूवी के टिकट सोल्ड हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों इन सबको छोड़ के आप हमें बताइए कि आप इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। और अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस मूवी से जुड़े सभी अपडेट हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।